हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम करेंगे परम्यूटेशन का पार्ट नंबर 2। जैसा ही आपने कल देखा था कि पार्ट नंबर 1 में बिल्कुल आसान चैप्टर है, ऐसे ही पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर 2-3 टाइप बचते हैं परम्यूटेशन के, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि NPR। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। NPR जो कि अगर सॉल्व करने पर बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम इसको समझाते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कल हमने एक वर्ड देखा था जॉब, जिसके अंदर 3 अल्फाबेट थे, 1, 2, 3। हमने देखा था कि हमारे पास 3 प्लेस हैं, हम जॉब को आगे पीछे करके कितने तरीके से लिख सकते थे, तो हमारा आंसर आ रहा था 6। लेकिन कई बार एग्जामिनर हमें देता है सिर्फ 1 प्लेस। तो अब हमसे पूछ लेते हैं कि सिर्फ आपको आपके पास है 1 प्लेस और अल्फाबेट है 3, तो कितनी बार आप इसको प्लेस कर सकते हो। या तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी है, चेयर है, इस चेयर पर या तो जे बैठ सकता है, या ओ बैठ सकता है, या फिर बी बैठ सकता है, तीनों एक एक बार बैठ सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 3। अगली आपसे पूछ सकता है कि जगह है 2 प्लेस हैं, 2 कुर्सी हैं, इस पर एक जे नाम का बंदा, ओ नाम का बंदा या बी नाम का बंदा अलग अलग कितने तरीके से बैठ सकते हैं। या तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, या तो फर्स्ट प्लेस पर जे बैठेगा, सेकंड पर ओ, या फर्स्ट प्लेस पर ओ बैठेगा और सेकंड प्लेस पर बैठेगा बी, या फिर फर्स्ट प्लेस पर बैठेगा बी और सेकंड प्लेस पर बैठेगा जे। तो इस तरीके से टोटल 6 तरीके बन सकते हैं कि हम इसको बिठा सकते हैं। इसी को हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो इससे आपका आंसर बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, वर्ड था जॉब, इसमें एन की जगह हमें टोटल हमारे कितने अल्फाबेट हैं ये प्लेस करनी है। कितने अल्फाबेट हैं टोटल? 3। पी, हमारे पास प्लेस कितने हैं? एक ही प्लेस पर हम इसको पुट कर सकते हैं, तो आर की जगह प्लेस करना है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, एन फैक्टोरियल तो यानी 3 का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 3 माइनस आर की जगह पर है 1 फैक्टोरियल। तो इससे आप देखते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 × 1, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 3। यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आंसर हमारा 3 आ रहा था। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास अब जगह है 2, एग्जामिनर ने जगह दी 2 और आपसे पूछ रहा है कि जॉब के अंदर 3 अल्फाबेट हैं, इन तीनों को आप इन 2 जगह पर कितनी बार अरेंज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो जगह है 2, तो अब सबसे पहले देखते हैं अल्फाबेट हैं 3 और प्लेस है हमारे पास 2, तो आर की जगह हम पुट करेंगे 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस में 2, n माइनस आर था ना, तो n 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 प्लेस थे, जैसे हमने कल सॉल्व किया था, इस उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लेस टोटल अल्फाबेट कितने थे? 3, और प्लेस भी हमारे पास थे 3, तो करते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, इस 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो 3 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ गया जो कि होता है 6। तो दोस्तों हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वोवल को ओड पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि फियर, फियर वर्ड हो गया, तो आपको कहा जाएगा कि जिसके अंदर जितने वोवल है ना उनको ओड प्लेस पर पुट करना है। इसके अंदर कितने? 1, 2, 3, 4 जगह बनती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस, 4 प्लेस हैं, और इसके अंदर वोवल है 2, एक ई है और एक ए है। इन 2 वोवल को आपको
चाहे तो इस जगह पर प्लेस करना है या फिर इस जगह पर प्लेस करना है। तो उस फॉर्मूले की मदद लेते हैं थोड़ी सी, एन पी आर, एन की जगह कितने प्लेस हमारे पास, दो, और वोवल कितने हैं, दो। तो इसको सॉल्व करते हैं, दो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दो माइनस दो फैक्टोरियल, तो नीचे वाला हो गया जीरो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई दो। तो हमने या तो ई को यहाँ पर मान लेते हैं, ई को यहाँ पे बिठा दिया, ए को यहाँ पे बिठा दिया, बच गए दो प्लेस, दूसरा और चौथा जो है, और एफ और आर, तो इनटू में दो फैक्टोरियल, यानी आपका आंसर आ जाएगा चार। अगला एग्जांपल देखते हैं, मनी, ठीक है, मनी के अंदर वोवल कितने हैं, ओ है और ई है, और प्लेस कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, ओड प्लेस कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, ये भी ओड प्लेस है, ये भी ओड प्लेस है, और ये भी ओड प्लेस है। अब हमारे पास वोवल तो है दो और हमारे पास प्लेस है तीन। अब तीन प्लेस पर हम कितने तरीके से ओ और ई को पुट कर सकते हैं, तो देखते हैं, एन पी आर, तो एन टोटल प्लेस कितने हैं, तीन, और वोवल कितने हमारे पास, दो, तो ये हो गया तीन फैक्टोरियल अपॉन तीन माइनस दो फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो तीन फैक्टोरियल, नीचे आ गया एक फैक्टोरियल जो कि एक होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई छः वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वर्ड कितने बचे हैं, एम बचा है, एन बचा है और वाई बचा है, और ई को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, छः जगह पर आ सकता है, एम बच गया, एन बच गया और वाई बच गया। हमारे पास जगह कितनी बची है, एक तो दूसरी जगह बची है, एक चौथी जगह बची है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझना, हम ओ और ई को या तो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर, या तीसरी जगह या पांचवी जगह, या पांचवी जगह और पहली जगह, लेकिन एक प्लेस हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ओ और ई को हमने पहली और तीसरी जगह पर पुट कर लिया, तो पांचवी जगह भी हमारी खाली रहेगी। तो तीन प्लेस है और तीन ही अल्फाबेट हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाई तीन फैक्टोरियल, तो छः गुना छः हमारा आंसर आ जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले एग्जांपल पर, हमारा एग्जांपल है अगला, जैसे ही कोई भी ले लेते हैं, वर्ड टुगेदर, टुगेदर सबसे पहले देखते हैं कितने प्लेस है इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ प्लेस हैं। वोवल कितने हैं, ओ है, ई है और ई है, ठीक है। तो एक फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस एंड सेवन्थ एट्थ। तो ओड पोजीशन कितनी है, एक तो फर्स्ट प्लेस, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, यानी एक दो तीन चार, चार ओड प्लेसेस हमारे पास और वोवल हैं तीन, तो करते हैं चार पी तीन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा चार फैक्टोरियल अपॉन चार माइनस तीन फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाता है चार फैक्टोरियल। अब दोस्तों देखते हैं, हमारा ओ पुट हो गया, ई पुट हो गया और ये वाला भी हो गया, बचे हैं टी बचा है, जी बचा है, एच बचा है, ओ सॉरी टी बचा है और एच बचा है और आर बचा है, जगह हमारे पास कितनी बची है। तो पिछले एग्जांपल की तरह ही, या तो ओ को ई को, ई को, या फिर ओ ई ई, या फिर ओ ई ई, ओ ई ई, मतलब एक जगह हमेशा खाली बच जाएगी, क्योंकि तीन वोवल हैं, कितनी बार पुट कर ले, एक जगह हमेशा खाली बचेगी। तो हमारे पास जगह कितनी बची है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह और चार जगह, और एक जगह वोवल वाली खाली बचेगी बचेगी। तो इसके लिए अल्फाबेट कितने थे हमारे, एक दो तीन चार पाँच, और प्लेस भी कितने हैं, पाँच, तो इसके लिए पाँच फैक्टोरियल, ये आपका। दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि है मदर, हमारा हो गया वर्ड हो गया मदर, इसके अंदर प्लेस कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ओड प्लेस कितने हैं, एक है, तीन है और पाँच है, तीन ओड प्लेस हैं और हमारे वोवल कितने हैं, एक ओ है और एक ई है। तो वही फॉर्मूला, तीन पी, वोवल कितने हैं, दो,
तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial, तो ये आ जाता हमारा 3 factorial। अब दोस्तों देखते हैं, दो वोवल थे, 3 प्लेस थे, या तो हम इसको ओ ई या फिर ओ ई या फिर ओ और ई, एक प्लेस हमेशा खाली बच रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने बचे हैं, हमारे पास 1, 2, 3 और 4, 4 अल्फ़ाबेट बचे हैं। और प्लेस भी कितने बचे हैं, एक तो ये प्लेस हो गया, एक ये, एक ये, 3 तो ये हो गए, और एक प्लेस मान लेते हैं ये हमारा खाली बचेगा, तो इनटू में 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस। पेपर में आते हैं दो तरीके के क्वेश्चन, एक तो रिपीटिशन, अलाउड होती है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर रिपीटेशन अलाउड होती है, किसी भी अल्फाबेट की रिपीटेशन अलाउड होती है, जैसे आप किसी भी अल्फाबेट को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। एक आते हैं रिपीटेशन रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसके अंदर आप रिपीटेशन किसी भी अल्फाबेट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आते हैं हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं 95% इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5% कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं रिपीटेशन टाइप मतलब किस तरीके से आप रिपीट कर सकते हो। जैसे कि आपके वर्ड दे दिया जॉब, ठीक है, आपके पास है 3 प्लेस और आपको बोला जाएगा कि आप इसको कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं। जिसने पिछली वीडियो देखी थी तो आप वो बच्चा आराम से बता देगा कि हम इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट को रिपीट ना करें तो। लेकिन अगर कोई भी अल्फ़ाबेट हम रिपीट कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी जे लिख देंगे, यहाँ पर भी जे जे, ठीक है, ओ ओ ओ, या फिर बी बी बी, या फिर जे ओ ओ जे बी बी, ऐसे ही मतलब लिख देंगे, कितनी बार भी किसी अल्फ़ाबेट को रिपीट कर देंगे। तो इसके लिए हमारे आंसर क्या होते हैं, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, तो उसके अंदर आप आराम से बता दोगे इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। लेकिन केस आता है रिपीटेशन अलाउड हो तो उसके लिए आपको करना होगा अल्फाबेट काउंट करने, 1 अल्फाबेट 2 अल्फाबेट 3 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट हैं तो उसकी उतनी पावर, जितने अल्फाबेट उतनी पावर, यहाँ पर जॉब में 3 अल्फाबेट थे तो 3 पावर। आगे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कोई भी वर्ड ले लिया हमने फियर, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड तो यहां पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, आराम से हर बच्चा इसका आंसर बता सकता है। और रिपीटेशन अगर अलाउड है तो यहां पर हो जाएगा 4 की पावर 4, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और यहां पर हो जाएगा 4 की पावर 4। अगला कोई भी वर्ड देख लेते हैं, कोई भी वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि मनी, ठीक है दोस्तों, तो मनी रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका 5 फैक्टोरियल। यहां पे इसका अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 5। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मदर, मदर वर्ड में कितने अल्फाबेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिपीटेशन अलाउड है तो 6 की पावर 6 और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 6 फैक्टोरियल। अगला वर्ड है डॉटर, कितने अल्फाबेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 फैक्टोरियल और रिपीटेशन अगर अलाउड होता तो 8 की पावर 8। अगला वर्ड है डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अल्फाबेट हैं तो यहाँ पर क्या होता, 6 फैक्टोरियल। और आप देखिए इसके अंदर ओ रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो रिपीटेशन अलाउड में भी आपको क्या करना है, कितने अल्फाबेट थे टोटल, 6 की पावर 6 और रिपीट क्या हो रहा है, ओ, कितनी बार हो रहा है, 2, तो यहाँ पर करना है आपको 2 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है ऑर्डर्ड, इसके अंदर आप देखते हैं 1 अल्फाबेट 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या क्या रिपीट हो रहा है, एक तो आर रिपीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, फिर
डी रिपीट हो रहा है और ई रिपीट हो रहा है। तो आर कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो बार, इसके लिए दो फैक्टोरियल। फिर डी रिपीट हो रहा है, इसके लिए दो फैक्टोरियल। फिर ई रिपीट हो रहा है, इसके लिए भी दो फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, कितने अल्फाबेट थे? सात। तो सात की पावर सात डिवाइडेड बाई दो फैक्टोरियल इंटू दो फैक्टोरियल इंटू दो फैक्टोरियल, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कई बार एग्जामिनर कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो हम देखते हैं। आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन, आपको एजुकेशन वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे बहुत तरीके के अलग अलग घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ल्ड शुड स्टार्ट विद डी, आपको बोल देगा कि वर्ड डी से स्टार्ट होना चाहिए और आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, लेकिन पहला वर्ड डी होना चाहिए। तो एक बार टोटल देखते हैं कितने अल्फाबेट इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ अल्फाबेट है तो नौ जगह बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो यहाँ पर तो एग्जामिनर ने बोल दिया आपको कि यहाँ पर आएगा डी, बाकी बच गए कितनी जगह, आठ अल्फाबेट कितने बच गए, डी को काट दिया तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ ही जगह बन गई। तो यहाँ पर एक गुना में आठ फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। अगला टाइप के आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड शुड स्टार्ट विद वोवल, आपसे बोला जाएगा कि वर्ड वोवल से स्टार्ट होना चाहिए और आप एजुकेशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि वोवल है कितने इसके अंदर, एक दो तीन चार पांच, यानी पांच वोवल हैं और प्लेस आपके पास कितने हैं, एक प्लेस है, यानी पहला प्लेस है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यानी पहले प्लेस पर वोवल आना चाहिए, बाद में वोवल आए कॉन्सोनेंट आए कोई जरूरी नहीं है, पहला प्लेस वोवल होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला अपना था, पाँच पी एक, इसको सॉल्व करेंगे तो पाँच फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पाँच माइनस एक फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। तो पहले प्लेस के लिए जगह आ गई पाँच फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई चार फैक्टोरियल, बच गए कितने प्लेस, आठ, आठ प्लेस बच गए, आठ ही अल्फाबेट बच गए, तो आपका आंसर हो जाएगा पाँच फैक्टोरियल अपॉन चार फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू आ जाएगी पाँच इंटू में आठ अल्फाबेट के लिए आठ फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्लेस यानी स्टार्ट विद वोवल एंड एंड्स विद कॉन्सोनेंट, यानी आपको बोला जाएगा कि आपका जो वर्ड है ना वो वोवल से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म होना चाहिए कॉन्सोनेंट के साथ। तो इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, नौ प्लेस थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ प्लेस थे, स्टार्ट होना चाहिए वोवल के से, तो कितने वोवल थे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच वोवल थे, प्लेस कितना है एक, तो पाँच पी एक, तो पाँच फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पाँच माइनस एक फैक्टोरियल, यानी पाँच फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई चार फैक्टोरियल, इसका आंसर आ गया आपका पाँच। अब लास्ट बच गया कॉन्सोनेंट, इसके अंदर नौ अल्फाबेट हैं, पाँच वोवल थे तो चार कॉन्सोनेंट बच गए, तो यहाँ पर आपको पुट करना है कॉन्सोनेंट, ठीक है, यहाँ पर पुट करना था वोवल जो कि हमने कर दिया है, यहाँ पर उसको पुट करेंगे तो अल्फाबेट है चार, चार पी एक, प्लेस है एक, तो चार फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई चार माइनस एक फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा चार। और बच गए कितने प्लेस, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात प्लेस बच गए और सात ही अल्फाबेट बचेंगे, तो सात फैक्टोरियल ये हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाँच इंटू चार इंटू सात फैक्टोरियल। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई वर्ड दे दिया मनी और आपको बोला गया कि वर्ड स्टार्ट होना चाहिए वोवल से और एंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट से,
तो कितने प्लेस है, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्लेस है वोवल का, ये प्लेस है कॉन्सोनेंट का। तो चलो अब सॉल्व करते हैं, वोवल हैं कितने, ओ और ई, दो वोवल हैं, प्लेस कितने हैं, एक। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 factorial divided by 2 minus 1 factorial, आपका आंसर आ जाएगा 2। अब आते हैं इस केस पे, कॉन्सोनेंट है कितने, 1, 2, 3, तीन कॉन्सोनेंट है, प्लेस है एक, तो 3p1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 factorial divided by 3 minus 1 factorial, तो 3 factorial divided by 2 factorial, इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 × 1 / 2 × 1, तो इसका आंसर आ गया 3, यहाँ पर आ रहा 2, तो 2 × 3 × प्लेस कितने बच गए, 1, 2, 3, और अल्फाबेट भी बचेंगे 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 factorial, यानी 2 × 3 × 6, इसकी वैल्यू 6, तो ये आपका आ जाएगा 36, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों परमुटेशन का चैप्टर हो गया कंप्लीट, आप किसी भी टाइप के किसी भी क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं, बस एग्जामिनर थोड़ी बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा फिरा के दे सकता है, वो आपको समझनी पड़ेगी, वरना इससे बार शायद ही कुछ आने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी, अगर कोई भी कमी लग रही है आपको तो वो सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू।